हे गाइस, वेलकम बैक टू श्रद्धा गैलरी। मैं हूँ श्रद्धा। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही जोरों से हर तरफ बारिश स्टार्ट हो गई है। हमारे महाराष्ट्र में तो बहुत ही ज़ोरदार बारिश स्टार्ट हो गई है। और इस ऐसे मौसम में ना, जब गर्मा गर्म हम बनाएंगे आलू बोंडे, तो वीडियो को एंड तक देखिए। बहुत ही हलवाई स्टाइल में मैंने ये आलू बोंडा बनाया है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पैन में ऑयल डाला है, फिर थोड़ा सा जीरा राई डालेंगे और एक चम्मच हम यहाँ पे साबुत धना उसको डालेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अब मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज है, उसको बारीक बारीक काटा है। तो प्याज को भी हम थोड़ा पकाएंगे, थोड़ा सा हम इसको ब्राउन करेंगे। अब मैंने यहाँ पे 4-5 हरी मिर्ची है, तो उसको बहुत ही बारीक बारीक काट लिया है। और यहाँ पे कड़ी पत्ता डालेंगे, मीठा नीम, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है। अब मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिर्ची पाउडर और नमक ऐड करूँगी, हल्दी भी डालेंगे। और मैंने यहाँ पे अच्छा फ्लेवर के लिए एक चम्मच धनिया पाउडर डाला है, और उससे भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और टेस्टी हमारी ये आलू की स्टफिंग, जो आलू की चटनी बनाएंगे उसको ना टेस्टी बनाने के लिए, 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट है, इसको आपको डालना ही है। इससे क्या है, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। तो मसाले को कम से कम 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद में मैंने यहाँ पे आलू को पहले बॉईल किया है। तो 8 या 10 आलू होंगे, तो मैंने बहुत अच्छी तरह से बॉईल किया है और फिर थोड़े से ऐसे इस तरह से मैश कर लेना है। तो आलू की ये चटनी बनके रेडी हो गई है। लास्ट में हमने यहाँ पे अच्छा फ्लेवर के लिए नींबू डाला है और हरा धनिया डाल देंगे। अब उसको साइड में रख दीजिए। तो चलिए अभी नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 1 कटोरी मैंने बेसन लिया है, चने की दाल का आटा, और 1/2 कटोरी मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। अब हम थोड़ा सा इसमें 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम हल्दी भी डालेंगे। हल्दी से क्या है, बहुत अच्छा कलर आता है जो भी नाश्ता, और हल्दी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अच्छा फ्लेवर के लिए यहाँ पर हम अजवाइन को क्रश कर डालेंगे। अब यहाँ पर आपको बैटर बनाना है, बेसन का और मैदे का हमको बैटर बनाना है। तो देखिए, बैटर को आपको थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड कर इस तरह से बनाना है। तो मैंने बना लिया है। अब जो आलू की स्टफिंग थी, वो आलू की चटनी, वो ठंडी हो गई है, तो उसके ना इस तरह से बॉल बना लीजिए। अब 4-5 मैंने बॉल बना दिए हैं। अब मैंने यहाँ पे इस बैटर में थोड़ा सा सोडा, 1/2 चम्मच से कम है, और वाटर डालेंगे, और अच्छे से अभी इसको मिक्स करना है। और हम अभी फटाफट हलवा स्टाइल में आलू बोंडे हैं जो, उनको अभी हम फ्राई करेंगे। तो इस तरह से आपको डिप कर ऑयल में डालना है। तो ऑयल में डालने के बाद में मैंने मीडियम फ्लेम पर ही सब ये जो हमारा नाश्ता है आलू बोंडे का, इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से देखिए इस तरह से फ्राई किया है। और ये घर के बने हैं फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे हैं, क्योंकि जो आलू की जो हमने स्टफिंग बनाए, आलू की जो चटनी बनाई है, वही मेन है। बहुत ही अच्छी चटनी अगर बनी तो आलू बोंडे भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने सारे आलू बोंडे बना लिए हैं। तो देखिए, ये बन गए हमारे गर्मा गर्म आलू बोंडे, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बने हैं फ्रेंड्स। ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, और जब भी बारिश हुई तो ऐसा ही कुछ गर्मा गर्म इंजॉय करना चाहिए। और इसको ना गर्मा गर्म खाने में ही जो मज़ा है ना, ठंडा होने के बाद में उतना मज़ा आता नहीं है। तो ज़रूर लाइक कर दीजिए रेसिपी को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट।